गाइस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड सेलेक्ट द वर्ड व्हिच कैन बी फॉर्मड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड डेमोक्रेसी. ओके, यहाँ पर एक वर्ड दिया है डेमोक्रेसी. ओके, और बोल रहा है कि जो ऑप्शन है उसमें से ये बताना है कि डेमोक्रेसी में से कौन सा वर्ड फॉर्म हो सकता है. तो फोर ऑप्शंस की मैंने चेक करते हैं. यहाँ पर लिखते हैं डेमोक्रेसी. ओके, ये आपका वर्ड है. इसमें से कौन सा फॉर्म हो सकता है, पहला ऑप्शन चेक करते हैं. एस इसमें नहीं गिवन है. पहले में ए में ऑप्शन में एस है और डेमोक्रेसी में एस नहीं गिवन है. कहीं पर भी एस नहीं दिख रहा है तो ये पहले ही कट जाएगा. ठीक है, माइक्रो देखते हैं. एम गिवन है. ठीक है, एम गिवन है. आई गिवन है. डेमोक्रेसी में आई नहीं गिवन है तो ये भी कट जाएगा. अब ऑप्शन सी चेक करते हैं. एम गिवन है. एम गिवन है. ए ए आर भी गिवन है. सी भी गिवन है और वाई भी गिवन है. ठीक है, अब डी को चेक करते हैं. डी गिवन है. ठीक है, ई गिवन है. एम गिवन है. ओ गिवन है लेकिन डेमोक्रेसी में एन नहीं गिवन है. यानी राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, मार्सी हो जाएगा. ठीक है, एम ए आर सी वाई. डेमोक्रेसी वर्ड में से हम लोग एम ए आर सी वाई एक अल्टरनेटिव वर्ड बना सकते हैं और ये सारे वर्ड्स नहीं बना सकते क्योंकि इसमें एस है. इसमें आपका क्या गिवन है, एक्स्ट्रा आई गिवन है. इसमें क्या गिवन है, एन गिवन. ओके, तो बनेगा क्या वर्ड आपका, मार्सी. डेमोक्रेसी में अगर तोड़ के बनाएंगे तो आपका बन जाएगा मार्सी. ओके, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी. गाइस कम टू द लास्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन फोर. मिस्टर मनीज एज इज 47 इयर्स एंड जॉन्स एज इज 13 ईयर. इन हाउ मेनी इयर्स विल मिस्टर मनीज एज विल बी डबल ऑफ जॉन्स एज. ओके, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि मिस्टर मनी का एज है 47 ईयर, ये प्रेजेंट एज है. ठीक है, और जॉन का एज कितना है, प्रेजेंट एज 13 ईयर यानी 13 साल. तो बोल रहा है हाउ मेनी ईयर, कितने साल में मिस्टर मनी का एज डबल हो जाएगा जॉन के. ठीक है, तो अगर जो मनी एक्स है तो 2x हो जाएगा कितने साल में. तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. प्रेजेंट एज ऑफ मिस्टर मनी इक्वल टू 47 इयर्स. ओके, प्रेजेंट एज ऑफ जॉन इक्वल टू 13 इयर्स. ओके, ये गिवन है क्वेश्चन में. अब हम लोग को एज्यूम क्या करना है, हाउ मेनी इयर्स तो पूछ रहे हैं कितने साल में, तो हम लोग साल को क्या मान लेंगे, एक्स. लेट द इयर्स बी एक्स. ओके, इयर्स को हम लोगों ने क्या माना है, एक्स माना है. ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये ईयर जो है बोला कितने साल में होगा ना डबल, तो ये फ्यूचर की बात कर रहा है, आफ्टर की बात कर रहा है, लेटर की बात नहीं कर रहा है. तो ये एक तरीके से क्या हो गया, आफ्टर एज हो गया. ठीक है, प्रेजेंट एज के बाद आफ्टर एज आएगा ना, तभी तो वो डबल होगा. तो ये बोल रहा है आफ्टर एज है. तो अगर प्रेजेंट एज प्लस आफ्टर एज करेंगे तो आपका आ जाएगा. ठीक है, कैसे करेंगे देखते हैं. दोनों को इक्वल लाना है ना, मनी को भी इक्वल लाना है और जॉन का भी एज इक्वल लाना है. कब होगा देखते हैं कैसे होगा. तो यहाँ पर है 47 इयर्स. ठीक है, ये प्रेजेंट एज हो गया आपका. अब आफ्टर एज मैंने क्या माना है, एक्स इयर्स. ठीक है, तो इसमें प्लस एक्स करेंगे. ठीक है, मैंने अभी लिखा ना कि प्रेजेंट एज प्लस आफ्टर एज करेंगे तो आएगा. ठीक है, ऐसे करना है. तो प्रेजेंट एज आपका हो गया मनी का 47 और आफ्टर एज क्या हो रहा है, एक्स हो रहा है. ठीक है, अब क्या करना है, जॉन का देखना है. जॉन का आपका 13 है और आफ्टर एज है आपका एक्स. ओके, अब इसका ही डबल हो रहा है ना, तो इसमें 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, जॉन का कैसे आया, जॉन का प्रेजेंट एज आपका है 13 इयर्स और इसमें आफ्टर एज एक्स भी तो प्लस होगा, तो 13 प्लस एक्स करेंगे यानी प्रेजेंट एज आपका 13 है और आफ्टर एज एक्स है. उन दोनों को मिला के ना डबल हो रहा है. यहाँ पे लिखा है ना मनीज एज विल बी डबल ऑफ जॉन्स, तो मनीज का एज डबल है तो मल्टीप्लाई किस में करेंगे, जॉन के एज में करेंगे. ठीक है, तो ये 26 आ जाएगा और ये 2x आ जाएगा. ठीक है, 47 प्लस एक्स. ओके, तो यहाँ पर ये 2 इधर जाएगा तो आपका एक्स स्क्वायर टू 47 माइनस 26 हो जाएगा. ओके, 121. तो एक्स स्क्वायर टू क्या आ गया, 21 ईयर्स. ओके, ये
आपका आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कितने साल में मनी का एज डबल होगा जॉन के बराबर जॉन से, तो ये आपका हो जाएगा 21 इयर्स में। ठीक है गाइस, समझ में आया? तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ओके नाउ गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।